नमस्कार, गिरिडीह का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजातरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे गिरिडीह, कांग्रेसी नेताओं ने किया भव्य स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आरके महिला कॉलेज में सेमिनार आयोजित। आज की नारी विषय पर वक्ताओं ने रखे विचार। भंडारा के साथ श्याम मंदिर में फागुन महोत्सव संपन्न। सैकड़ों लोगों ने ग्रहण किया भंडारे का प्रसाद। और गुरु आश्रम पब्लिक स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। बेहतर छात्रों को किया गया पुरस्कृत। अब खबरें विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम गोड्डा जाने के क्रम में शनिवार को नया परिसदन भवन में रुके। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि स्थानीय नीति झारखंडियों के हित में रखकर बनाया जाएगा। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम गोड्डा जाने के क्रम में शनिवार को गिरिडीह नया परिसदन भवन में रुके। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर मंत्री आलमगीर आलम प्रेस से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में नवगठित सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर कार्य करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में NRC और CAA कानून को लेकर सभी सहयोगी दलों के साथ बैठक कर आम राय बनाई जाएगी। वहीं वे स्थानीय नीति पर कुछ भी कहने से बचते दिखे। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्थानीय नीति पर फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए इस पर जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड वासियों के हित में स्थानीय नीति पर कानून लाया जाएगा। देखिए, लागू होगा नहीं होगा, MPR भी है, वो ये सारी चीज पर हम लोग सभी दल मिलकर इसका समीक्षा कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोग का पास इसका खबर मिल जाएगा, आप लोग को भेज दिया जाएगा, मीडिया के सामने आएगी बात। मंत्री बोल चुके हैं कि NRC ऐसी जो है यहाँ झारखंड में लागू नहीं होगा, स्पष्ट कहा। तो क्या लगता है कि हम तो कह रहे हैं कि हम लोग अपने से बैठकर ये सब चर्चा हम लोग किए, जिस दिन हम लोग का जो मतलब एकजुट होकर जिस दिन हम लोग आपके सामने बयान देंगे उस दिन उसको मान लीजिएगा। लेकिन अभी हम लोग इसको इस विषय पर CA हो चाहे NRC हो चाहे NPR हो, सारे विषय पर हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं। बगल का राज्य बिहार और कलकत्ता भी इस पर सहमति दिया है, हम लोग पास भी कराए हैं। हम लोग भी अभी आगे बढ़कर आपको सामने रखेंगे। हमारी सरकार झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की अपेक्षा के अनुरूप बनी है। आप लोगों ने देखे हैं कि देहात में घूमने से या शहर में घूमने से आप लोगों को पता चलता है कि बहुत सारे हमारे बूढ़े माँ बहन आती हैं, बोलते हैं हमको राशन कार्ड अभी तक नहीं मिला। बुजुर्ग आते हैं, हमें राशन कार्ड नहीं मिलता है। हम लोगों ने वैसे परिवार को कार्ड मुहैया करेंगे जो PDS की दुकान से उसको माल मिलेगा। दूसरी तरफ जो हमारा यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बना हुआ डिजाइन उसी डिजाइन पर बनाया जाएगा। हम लोगों ने कहा कि आप अपना इच्छा के अनुसार और हमारी सरकार 50,000 रुपये से ऐड देंगे और आप वहाँ पर घर बना सकते हैं अपना इच्छा के अनुसार। ये हम लोग छूट दिए हैं। उनके जो 1,40,000 मिल रहा है उससे हमारी स्टेट सरकार 50,000 रुपये हम लोग देने जा रही है। सर देखिए, उसके बाद हम लोग आवास के लिए, ये आवास जो होता है प्रधानमंत्री आवास जो हो रहा है वो 2011 का सेंसस SSC डाटा के अनुसार हो रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं गांव में जाने के बाद या दूसरी जगह जाने के बाद कैसे लोग है जिसका जरूरत आज है, उसके पास घर नहीं है, रहने के कुछ नहीं है, वैसे लोगों का घर नहीं हो रहा है। जिनके पास घर है वैसे लोगों का घर हो रहा है, SSC डाटा के अनुसार हो रहा है। हम लोगों ने अम्बेडकर योजना के तहत इस बार 5,000 वैसे लोगों को आवाज देने के हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो हम लोग मिलाजुला कर जनता की अपेक्षा के अनुरूप पूरे राज्य में 5,000 आवाज होने का, 50,000 हम आवाज देने जा रहे हैं हम लोग अम्बेडकर योजना के तहत। और ये देंगे उन लोगों को जो विधवा है, जो मतलब विकलांग है, उम्र दराज औरत है।
मंत्री आलमगीर आलम गोड्डा जाने के क्रम में बेगाबाद में भी रुके। बेगाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रांची से गोड्डा जाने के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम शनिवार को बेगाबाद प्रखंड क्षेत्र के चपुआडी में रुके। इस दौरान स्थानीय मुखिया मोहम्मद शमीम ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ फूल माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर जेएमएम नेता मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद सहजाद, मोहम्मद सबा, मोहम्मद बबरू समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। स्थिति जो कभी आरियो से बना था या आपका पीएम देश के माध्यम से बना था उस रोड का रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा था। 2019-20 में हमने बात को विधानसभा में बीजेपी के खर्च करने उठाने का काम किया, उस समय हल्का शुरुआत किया और हमने मंत्री बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्र की सड़क पुल पुलिया को चुस्त और दुरुस्त बनाने के संकल्प लिए हैं। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी चाहते हैं कि गांव की सड़क बने तो अभी जो है पहला हमारा ये रहेगा, मैक्सिमम हम करेंगे तो 10 साल पहले जो सड़क बनी थी दोबारा उसमें रिपेयर नहीं हुआ है उस काम को ज़्यादा करेंगे। और दूसरा जो गांव से सड़क जोड़ने का काम जो हम करेंगे उस गांव को हम पहले पिक एंड चूज करेंगे जो मुख्यालय से दूर है, हॉस्पिटल हुआ, कॉलेज हुआ, ब्लॉक हुआ, उसको जोड़ने के काम हम लोग करेंगे। हमारी सरकार आने के बाद सबसे जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में घूमने के बाद जो लग रहा था मुझे, हम लोग इस बात को रखे हुए थे कि जिन लोगों का राशन कार्ड छूट गया है या लोग नहीं पाया, गरीब तबके के लोग हैं, उसको हम लोग राशन कार्ड मुहैया करेंगे। और इस बार हम लोग स्टेट लेवल से 20 लाख कार्ड देने की हम लोग व्यवस्था किए हैं। तो मिला जुला कर कहा जा सकता है कि ये सरकार का जो मंशा है ग्रामीण क्षेत्र का लोगों को रोजगार मिले, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का अच्छा माहौल मिले, वातावरण मिले, उस दिशा में हम लोग काम करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आरके महिला कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। आज की नारी विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को श्री आरके महिला महाविद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया जिसका विषय था आज की नारी। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पुनीत कौर और विशिष्ट अतिथि चंचल भदानी थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अनुज कुमार ने की। मंच संचालन हिंदी के व्याख्याता महेश अमन ने की। सभी अतिथियों का स्वागत निवेदिता चौधरी ने पुष्प गुच्छ देकर व स्मृति चिन्ह देकर किया। वक्ताओं में प्रोफेसर सुशील, डॉक्टर गीता डे, डॉक्टर आरती वर्मा, डॉक्टर छाया तिवारी, डॉक्टर रश्मि मसीह ने अपने वक्तव्यों से छात्राओं को प्रेरित किया और उनमें उत्साह भरा। कहा कि लड़कियां कब तक खुद को कमजोर समझती रहेगी, आज की नारी सबल होकर पूरे विश्व में छाई हुई है। हम सब महिलाओं का एक जो हम सब महिलाओं ने पूरे विश्व की महिलाओं ने जो आज है जो कल थी शुरू से लेकर के जो अपने राजनीतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में जो अपनी उपलब्धियां प्राप्त की है उन उपलब्धियों का जो अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त किया है उन अचीवमेंट का एक पर्व के रूप में एक फेस्टिवल के रूप में हम सब यहाँ मनाने आए हैं। हम सभी जानते हैं कि आज महिला कहीं किसी भी क्षेत्र में प्लीज कीप क्वाइट आज महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये दिवस हमारे लिए विशेष है। विशेष इसलिए है कि समाज के हम दो पहिए हैं और दोनों का अच्छी तरह से चलना समाज को आगे बढ़ाना कहलाता है। हमने स्त्री और पुरुषों की बात नंदिनी के द्वारा सुनी, समझी और जानी। बहुत सारी पुस्तकों में ये सारी बातें हैं पर हमारा जो विकास है वो घर से शुरू होता है,
समाज तक जाता है और समाज में मेरी महत्ता मेरे कामों से आती है, मेरे गुणों पर आधारित होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उपलक्ष्य पर ये सभा का आयोजन किया गया है। हम सभी एक जगह एकत्रित हुए हैं। हमें खुशी है कि हमारे साथ हमारे भाई लोग भी हमारे साथ दे रहे हैं आज, इसलिए आज हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और जख्मों भरे पन्नों से देश विदेश के इतिहास को जब समझा रही थी तुम अपने ही क्लासरूम में, उसी वक्त ठीक उसी वक्त अचानक गाड़ी टकराया डिवाइडर से, फिर तो कैनवस में सिर्फ खून ही खून। अपने चरित्रों के साथ खून से लथपथ हुई गाड़ी की कहानी, नीली आंखें प्रियदर्शिनी मेरी प्यारी बहना, कब इतनी बड़ी हो गई तुम कि छू लिया तुमने आसमान को भी, नकारते हुए मुश्किलों भरा यान जट, झेलते हुए हजारों तकलीफें, अकेले ही तुम आ पहुंची अस्पतालों के गलियारों में। श्याम सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा श्याम मंदिर में जारी फागुन महोत्सव के चौथे दिन भंडारा का आयोजन किया गया। इस भंडारे में सैकड़ों लोगों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। श्याम सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा श्याम मंदिर में जारी फागुन महोत्सव के चौथे दिन शनिवार को भंडारा का आयोजन किया गया। इस भंडारे में सैकड़ों लोगों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के साथ ही फागुन महोत्सव का समापन किया गया। चार दिवसीय फागुन महोत्सव के आयोजन में श्याम सेवा समिति के सभी सदस्यों ने सराहनीय योगदान किया। चाची उधर से लीजिए, लेडीज उधर। श्याम मंदिर पूजन में बहुत ही धूमधाम से फागुन महोत्सव मनाया जा रहा है। 4 तारीख को निशान की पूजा हुई, 5 तारीख को निशान अगर भ्रमण करते हुए मंदिर में अर्पण, 6 तारीख को प्रातः 6 बजे से बाबा का अखंड जोत पाठ हुआ। जय श्री श्याम। श्री श्याम सेवा समिति का यह 16वां वार्षिक महोत्सव है। फागुन महोत्सव का 16वां वर्ष है ये और खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें 3100 मणि और भंडारा चल रहा है प्रसाद का और सब उसका आनंद ले रहे हैं। गुरु आश्रम पब्लिक स्कूल में पुरस्कार वितरण सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बेहतर विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। गुरु आश्रम पब्लिक स्कूल में शनिवार को पुरस्कार वितरण सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा थे। कार्यक्रम में बेहतर छात्रों को पुरस्कृत किया गया। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रियांशु कुमार को, बेस्ट अटेंडेंस विजय कुमार वर्मा और रंजन कुमार वर्मा को और बेस्ट स्पीच के लिए आशीष कुमार पांडे को पुरस्कृत किया गया। मौके पर संचालक सरजू कुमार, प्रिंसिपल संजय कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। इसको देखने के लिए थोड़ा आप में उबाल होना पर सोचती है कि कल बच्चों को क्या चाहिए जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। There is no any complaint by teachers regarding talented, very intelligent, but she is very little. Vijay Kumar Verma ka bahut hi behtareen students hai.
समारोह कर रहे हैं, पुरस्कार वितरण समारोह के साथ होली मिलन समारोह भी है, क्योंकि आज के बाद हमारी छुट्टियां होली के लिए होने वाली हैं। पुरस्कार वितरण समारोह, ये दिस इज द ईयरली अवार्ड फंक्शन फॉर द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गुरु आश्रम पब्लिक स्कूल, एंड इन दिस अवार्ड फंक्शन वी आर अवार्डिंग द स्टूडेंट्स फॉर द होल ईयर, दैट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन अटेंडेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस इन डांस competition, best performance in speech competition, and all the year the best performer student, the student of the year, and so on like this. And the teachers are also awarded in this as a best performance, as a best teacher, as a best supporter student. And like this, Guru Ashram Public School organizes program time to time, and our director sir, Sajiv Kumar Das, is the pillar of the school. And he is a very good guide of the school, as a parent, as a teacher, he is an inspirational personality. So we are very glad here to celebrate the Holi, to celebrate Holi over here and the award function here. समाज कल्याण विभाग में 10 वर्षों से कार्यरत अनुबंध कर्मियों का शिष्टमंडल मंत्री आलमगीर आलम से मिलकर ज्ञापन सौंपा और अपने नियमितकरण करने की बात कही। समाज कल्याण विभाग में पिछले 10 वर्षों से अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों का एक शिष्टमंडल मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात कर हाईकोर्ट के आए हुए आदेश के आलोक में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिष्टमंडल के सदस्यों ने आलमगीर आलम को हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने 10 साल से समाज कल्याण विभाग में कार्यरत सभी कर्मियों को नियमित करने का आदेश निर्गत किया है, लेकिन पूर्व की सरकार ने इसे अनदेखा किया, इसलिए झारखंड में नवगठित सरकार इस मामले में संज्ञान ले और 10 साल से कार्यरत अनुबंध कर्मियों की सेवा को नियमित करे। जिला समाज कल्याण कार्यालय गिरिडीह के अंतर्गत विभिन्न परियोजना में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों जिनका 10 वर्ष से अधिक कार्यकाल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उनको परमानेंट नियमितीकरण की प्रक्रिया की जानी थी, जो पूर्व के सरकार के सचिव के द्वारा सचिव के पत्रांक 363/2019 के द्वारा दिन 8/8/2019 के द्वारा ये डिमांड किया गया था कि सभी विभाग से कि 10 साल से अधिक जो कार्यरत कर्मी हैं उनकी सेवा नियमितीकरण हेतु जो उनकी आवश्यक संचिका है उसको भेजी जाए। और जो हम लोग इस कार्यालय के पत्रांक जिला समाज कल्याण कार्यालय के पत्रांक 1698 दिनांक 12/9/2019 के द्वारा भेजी जा चुकी है, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई यथोचित कार्रवाई नहीं की जा सकी है। और आज सभी महिला पुरस्कार की मीटिंग हो रही थी, हम भी जिला समाज कल्याण कार्यालय में आए हुए थे, पता चला कि अपने मंत्री विभागीय मंत्री आलमगीर आलम आए हुए हैं और उनको हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया कि अपनी सरकार से हम लोग के नियमितीकरण के दिशा में आवश्यक पहल किया। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने बनियाडी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के द्वारा बनियाडी फुटबॉल मैदान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के पदाधिकारी, सीसीएल अधिकारी व कई जनप्रतिनिधि व आम लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी व एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। इस मौके पर यूनियन के नेता राजेश यादव व अर्जुन रवानी ने कहा कि होली रंगों का त्यौहार है और रंग प्यार और मोहब्बत का होना चाहिए, भाईचारा के साथ सभी लोग होली का त्यौहार मनाएं। गिरिडीह स्टेडियम ने झारखंड राज्य टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के द्वारा महिला खिलाड़ियों का ट्रायल संपन्न हुआ। इस ट्रायल में चयनित होने वाली खिलाड़ी
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। झारखंड राज्य टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के द्वारा शनिवार को गिरिडीह स्टेडियम में महिला खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया। संघ के कोषाध्यक्ष नूरुल हुदा ने बताया कि इस ट्रायल में चयनित होने वाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। मौके पर मौजूद सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। मौके पर कमल सिंह, अशोक रजक सहित अनेक खिलाड़ी मौजूद थे। 22 तारीख जो यूपी में मैच होगा, तो आज हम इन बच्चों का ट्रायल मैच देखने के लिए आए थे और हम लोग तहे दिल से इनके साथ हैं और इनके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं कि वहाँ पे जाए, अच्छा परफॉर्मेंस करे और गिरिडीह जिला का नाम रोशन करे। आज दिनांक 7/3/2020 को गिरिडीह स्टेडियम में हम लोगों ने झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा एक ट्रायल रखे थे, जिसमें से हमारे झारखंड के कुछ भी खिलाड़ी लोग हम लोगों का यहाँ पे आके, महिला खिलाड़ी लोगों का ट्रायल था। आज महिला खिलाड़ी यहाँ पे आकर के अपना ट्रायल दिया और इसमें हम लोगों का एक सिलेक्शन करने का मौका मिला है। सिलेक्शन करके हम लोग इसका एक सूची जारी करके बहुत जल्द प्रदेश को बताएंगे और ये होने बाद ये टीम हमारा जाएगा आपका यूपी बरेली में, आपका 19, 20, 21, 22 को बरेली में टीम होने वाली नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का, उसमें ये टीम हमारी भाग लेगी, जिससे हमारा, हमें आशा करते हैं कि हमें अच्छा जगह पे हमें मिलेगा और झारखंड टीम जो हमारी बन के जा रही है, जो महिला टीम, अच्छा से अच्छा उपलब्धि हासिल करेगा और झारखंड का नाम हमारे गर्ल्स लोग रोशन करेंगे झारखंड। शनिवार को गिरिडीह का शहरी इलाका सड़क जाम से परेशान रहा। जाम में एम्बुलेंस को भी जाने का मौका नहीं मिला और पूरा ट्रैफिक सिस्टम फेल नजर आया। यातायात थाना खुलने से राहत की उम्मीद रखने वाले गिरिडीह शहरवासियों को शनिवार को भारी निराशा हाथ लगी। शनिवार दिन भर गिरिडीह शहरी इलाका सड़क जाम की समस्या से परेशान रहा। नटराज चौक के पास जाम इस कदर लगा कि एम्बुलेंस को भी जाने का मौका नहीं मिला। एम्बुलेंस से बेहतर इलाज के लिए जा रहा मरीज को भी अपने जीवन बचाने के लिए सड़क जाम हटने का इंतजार करना पड़ा। हालांकि नटराज चौक पर जाम की स्थिति गिरिडीह नगर निगम की लापरवाही का नतीजा था। भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन के 12 बजे नगर निगम के कर्मी सफाई कार्य कर रहे थे, जिसका खामियाजा शहरवासियों को उठाना पड़ा। यह था हमारा आज का, फिर मिलते अगले अंक में कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।